अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कलर बाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना इमरान। मैं लेके आई हूं आज आपके लिए एक दिलचस्प सवाल। सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जिसको मारने से ना तो कोई जुर्म होता है और ना ही कोई सज़ा होती है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप लिखिए कमेंट में, तब तक मैं पूछती हूँ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदील हसन काज़मी जी। नाज़िया हसन। साइमा। क्या करती हैं आप? मैं इंटर कर लिया आगे टीचिंग करनी है इंशाल्लाह। और आप? टीचिंग करते हैं। तीनों टीचिंग कर रही हैं जी। मैं बिजनेसमैन हूँ। फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहा हूँ। मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जिसको मारने से ना तो कोई जुर्म होता है और ना ही कोई सजा होती है। छिपकली। छिपकली। छिपकली मार देंगे? मार दे। उसका तो स्वाब होता। स्वाब होता पर जुर्म तो नहीं होता ना। लेकिन इसका जवाब ये नहीं। वो बात ही है जी। नहीं, ताना मारने से। हाँ बिल्कुल जी। मारने से, वैसे तो कॉकरोच भी है, उसे मारने से कुछ नहीं होता। थप्पड़ पड़ सकता। कुछ भी नहीं होता बात करने से। शरीका नु बुरा भी लग सकता। हाँ शरीका नु लगता जी बुरा। चूहा। चूहा वो लोग के जो खुद भी मार सकते हैं। मच्छर मारने से। मच्छर मारने से हाथ धोने पड़ेंगे। कोई और दूसरा पूछ लें तो। नहीं नहीं, इसका जवाब देना पड़ेगा। आप सोचिए कि वो क्या ऐसी चीज़ है जिसको मैं मार भी दूँ तो ना मुझे कोई सजा होगी और ना ही कोई जुर्म होगा। मेरा ख्याल है। क्या शेयर करेंगे? Want to dedicate a song to my lovely wife. मैं अगर कहूँ कि तुम सा हसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। जब हम मिला करते थे तो बारिश होती थी, अब बारिश होती है तो तेरी याद आती है। ये किसके लिए था? ये वैसे ही मैंने बोला। दिल के कुछ जज्बात तो होंगे किसी के लिए। नहीं नहीं, किसी के लिए। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर। जी नाज़रीन, तो कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम? और आज पूछे गए सवाल का जवाब था मिस कॉल, जो बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट को। अल्लाह हाफिज़।